हेलो भाई, कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। जैसे कि आपको पता है कि एक नेटवर्क जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा जब कंप्यूटर्स हम एक दूसरे से अटैच करते हैं तो तब एक नेटवर्क फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो अगर वो दोनों सिस्टम किसी नेटवर्क से जुड़े होंगे तो मैं बिना किसी पेन ड्राइव की मदद से या किसी और सोर्सेस की मदद से उन दो डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो होता है, इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ केबल्स और सैटेलाइट्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने एग्ज़ाम में लिखनी है कि अगर आपको पूछा जाए वो डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं वो बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे पीयर टू पीयर, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया और पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। इन सब नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने से पहले हमारे पास दो आर्किटेक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इनके बारे में हम पहले देखेंगे कि ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। दोस्तों, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर कंप्यूटर जो अटैच होता है किसी और कंप्यूटर के साथ उन सभी कंप्यूटर्स को प्रॉपर अथॉरिटी होती है कि वो एक दूसरे की रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। मीन्स कि उनके पास पूरा एक पावर होती है, इक्वल स्टेटस होता है जिसके हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो उन सभी के पास, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर से अटैच्ड है, तो अगर मेरे पास कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है और उनके पास भी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट है तो मेरे पास भी अथॉरिटी होगी कि मैं उनका डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकता हूँ, या वो मुझे अथॉरिटी, उनके पास भी अथॉरिटी होगी कि वो मेरा डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, शायद उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। तो हम इमेज की मदद से देखेंगे कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता क्या है। सो ये दोस्तों पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की एक इमेज है जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स अटैच हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी है और सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से अटैच हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक से अटैच है, दूसरा दूसरे से नहीं अटैच है। जैसे आप ये कंप्यूटर एक से भी अटैच है, ये कंप्यूटर इससे भी अटैच है, तो ये सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। और ये सारा जो अटैचमेंट होती है वो एक टोपोलॉजी में होती है जिसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमारे पास ये होते हैं कंप्यूटर्स। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, जैसे इस इमेज में पांच क्लाइंट्स हैं, कंप्यूटर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये एक सर्वर से अटैच्ड हैं जो कि ये सर्वर बना हुआ है, या जो जितने भी हमारे पास सर्वर हैं, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, जितने भी सर्वर हैं वो इससे अटैच्ड। तो और मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की इमेज, सॉरी दोस्तों वो गलत इमेज दिखा दी थी मैंने आपको, ये एक्चुअली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक इमेज है। इसमें ये दो क्लाइंट्स हैं और ये एक सर्वर है। तो अगर इस क्लाइंट को कोई रिक्वायरमेंट चाहिए जो कि सर्वर के पास है और अगर सर्वर उसको फुलफिल करना चाहता है तो वो बैक में उसको एक एक्नॉलेजमेंट या एक रिस्पॉन्स भेज देगा जिससे कि वो बोलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है
इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नेटवर्क्स इन विच ऑल द कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सभी के पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में सभी के पास एक इक्वल प्रायोरिटी होती है और सब एक दूसरे का रिसोर्सेज यूज कर सकते। नेक्स्ट जो था वो था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी वही हमने बताया था कि नेटवर्क इन विन सर्टन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स प्रकार से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स एंड द वन विच यूजेस क्लाइंट्स सर्विसेज आर कॉल्ड द क्लाइंट्स। तो आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन से होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स। जैसे मैंने आपको बोले बताया तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे हम कोई स्कूल की बिल्डिंग है और स्कूल की बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर हैं, तो एक 10 कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो उनको अटैच करने के लिए हम एक सर्वर मेंटेन करते हैं। उस सर्वर की मदद से हम सभी कंप्यूटर्स को असेस कर सकते हैं। तो सपोज करो अगर सिस्टम फर्स्ट पे कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है जिसको मैं मूव करना चाहता हूँ सिस्टम 5 पे, तो वो आसानी से मूव करता हूँ कर सकता हूँ अगर मेरा जो जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इसकी डेफिनेशन है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। तो आपने ये डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है। तो इसकी मैं आपको एक इमेज भी दिखा देता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क की। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो इस तरह से होता है, इसमें ये सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं 1 से लेकर 5 तक, और आगे वो नेटवर्क लैन एरिया में है, और लैन जो ये एरिया है वो आगे फाइल सर्वर, मेल सर्वर और प्रिंट सर्वर से अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क कुछ इस तरह का होता है जिसमें नंबर ऑफ लैंस नेटवर्क्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है यूरोप में, तो अगर मेरा सिस्टम नेटवर्क से अटैच होगा या थ्रू इंटरनेट वो अटैच होगा, तभी वो शेयर होगा डॉक्यूमेंट मेरे फ्रेंड को यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो लैन एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क की है। वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया दैट इज एनी ज्योग्राफिकल एरिया रीजन मेट्रोपोलियन। द इंटरनेट जो होता है वो सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है एंड इट इज कॉमनली यूज बाय बिजनेस, गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो ये डेफिनेशन आपने स्पेसिफाई करनी है। उसके बाद आ जाता है इंटरनेट। दोस्तों आप सभी यूज करते हैं इंटरनेट, और इंटरनेट का बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। मेरे ख्याल से दिन में 10 बार हम लोग जो है वो इंटरनेट यूज का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट जो है वो ग्लोबल सिस्टम है, वो इंटरकनेक्टेड होता है। जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तो उनको जो इकट्ठे करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम इंटरनेट करते हैं। तो अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इंटरनेट की, ना हम ईमेल यूज कर सकते हैं, ना हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर सकते हैं, ना हम सोशल साइट्स यूज कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, अगर मेरा कोई नेटवर्क है वो आगे किसी और नेटवर्क से जुड़ा है और आगे और मल्टीपल नेटवर्क से जुड़ा है, तो इन चीज़ों को बोलते हैं इंटरनेट। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ इंटरनेट की भी, शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये एक पिक्चर होगी मेरे पास, ये देखिए आप कितने सिस्टम्स हैं जो ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं आप इनको एक नेटवर्क समझ लीजिए, और सभी नेटवर्क जो है ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये होता है दोस्तों इंटरनेट की इमेज। और आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। दोस्तों अगर हमारे पास कोई पेज है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ हाइपरलिंक्स भी दिए होते हैं। हाइपरलिंक्स वो चीज़ होती हैं जिसको हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर ले चले जाते हैं। तो वो जब
इकट्ठे हो जाते हैं और उनको इकट्ठे करके हम कुछ भी नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइड वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए डेफिनेशन भी यही दी हुई है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स असेस्ड बाय द इंटरनेट। तो इसको हम असेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, जो कि जैसे कि क्रोम है, सफारी है, नई मोज़िला फायरफॉक्स है, तो जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी ब्राउजर हैं, इनकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब असेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ही लेके आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको जब ध्यान से पढ़िए और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।